एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के में आज का जो टॉपिक हमारा वो है मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग एक एक्टिविटी है जो कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने के लिए हम एक्सक्यूट करते हैं। यहाँ एक्सचेंज का मतलब बेसिकली शेयर और सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज से मतलब है यहाँ पे। तो बेसिकली सेलर और बायर एक दूसरे से एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो सेलर है वो गुड्स को सेल करता है और बायर जो है उसके बदले में कुछ पैसे पे करता है। तो ये जो प्रोसेस है ओवरऑल, जिसमें सेलर और बायर एक दूसरे से एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सेलर अपने गुड्स को दे रहा है, बायर अपने अपने मनी को दे रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा जो है एक मार्केट के अंदर एक्सक्यूट होता है, और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम मार्केटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम किसी भी एंटरप्राइज के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, तो किसी भी एंटरप्राइज का जो सबसे मेन मेन एस्पेक्ट होता है वो उसकी होती है मार्केटिंग। क्योंकि ओवरऑल अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपके प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहे हैं, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, आपका एंटरप्राइज भी ग्रोथ नहीं करेगा, तो एक समय के बाद आपको बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा और आपका एंटरप्राइज जो है वही स्लो डाउन होकर वहां बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग को समझने से पहले हमें मार्केट को समझना होगा, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट जो क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर द सेलर्स एंड बायर्स असेंबल टू एक्सचेंज दियर प्रोडक्ट्स फॉर मनी एंड वाइस वर्सा। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेलर और बायर एक दूसरे से मिलते हैं और या वो एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो एक्सचेंज ऑपरेशन में जो एंटिटी या जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो या तो कोई गुड्स हो सकता है या तो वो मनी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये जो मार्केट और मार्केटिंग का जो डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट है, ये समय के साथ बदलता रहा है, ठीक है? अगर अगर हम पुराने जमाने की बात करें, तो पुराने जमाने में मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया जाता था? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। पहले क्या था कि हमने प्रोडक्ट को बनाया और उसको कंज्यूमर तक डिलीवर कर दिया, यानी प्रोडक्शन किया सो कंजम्पशन कर दिया, यही मार्केटिंग का डेफिनेशन था। लेकिन अगर आज आज की डेट में अगर बात करें तो मार्केटिंग बहुत हद तक बदल चुकी है। मार्केटिंग मार्केटिंग में हम कस्टमर कस्टमर के माइंडसेट को रीड करते हुए अपनी मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, वो कह रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो चेंज्ड, कस्टमर्स स्टार्टेड टू बाय एंड बाय द गुड्स और सर्विसेज दैट वेयर मोर बेनिफिशियल टू देम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, सेटिस्फैक्शन, ड्यूरेबिलिटी, लुक्स एंड सो ऑन। तो आज की डेट में जो कस्टमर है वो वैसे ही वैसा ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी उसकी अच्छी हो, क्वालिटी के बिहाफ में उसको बेनिफिट दिखे, प्राइस के रिगार्डिंग उसको बेनिफिट दिखे, उसको सेटिस्फेक्शन मिले उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी रहे, वो प्रोडक्ट उसे अच्छा दिखे, अच्छा लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो आज की मार्केटिंग है, वो जो आज की डेट में मार्केटिंग हम करते हैं, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। पहले क्या था, कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ये मैटर करता ही नहीं था। हाँ, ये डेली नीड्स की चीज, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें है, बस हमने उसको बना दिया और कस्टमर तक पहुंचा दिया। क्योंकि तो पुराने जमाने में लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है? जैसे पुराने जमाने में एक साबुन लाइफबॉय हुआ करता था, ठीक है? आज से 30 साल 40 साल पहले से लाइफबॉय चल रहा है, तो उसको लोग बस लाइफबॉय यूज लोग नॉर्मली आदमी यूज ही करता था, ठीक है? लेकिन आज की डेट में क्या है, अच्छे फ्रेग्रेंस वाला साबुन चाहिए, बैक्टीरिया मारने वाला साबुन भी चाहिए, कई तरह के अच्छे अच्छे खुशबूदार साबुन होने चाहिए, तो और ऐसे साबुन होने चाहिए जो हमारी बॉडी को रूखा ना करें। तो आज की डेट में कस्टमर के डिमांड्स को देखते हुए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके बिहाफ में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो उस समय हम बहुत ज्यादा कस्टमर में फोकस नहीं करते थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के नीड्स पे ही फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हमारी जो मार्केटिंग है, हमारी मार्केटिंग जो है वो आसान हो सके।
So the new approach relies on to produce the goods or offer services that satisfy the customer's demand. तो जो नया अप्रोच है वो बेसिकली कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं उस मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसी प्रोडक्शन को हम जब कस्टमर तक डिलीवर करते हैं तो कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रांड, हमारे कंपनी, हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग जो है वो अच्छी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है, एंड मार्केट सर्वे इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केट सर्वे इज इनिशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज इफ यू परफॉर्म द मार्केट सर्वे, तो बेसिकली जब आप मार्केट सर्वे करेंगे तो वो मार्केट सर्वे कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अफेक्ट करने का मतलब यह है कि अगर मार्केट सर्वे आप करते हैं तो उससे आप कस्टमर की नीड्स को समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कस्टमर की नीड को मीट नहीं करता है, तो आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में, अपने क्वालिटी में या फिर प्रोडक्ट कुछ चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ सके। तो बेसिकली मार्केटिंग को समझने के लिए, समझाने के लिए या मार्केटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 P's, यानी ये जो 4 words लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, दीज आर फोर पी। फर्स्ट पी इज प्रोडक्शन, सेकेंड पी इज प्राइस, थर्ड पी इज प्रमोशन एंड फोर्थ पी इज प्लेस। कहने का मतलब यह है कि मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है तो 100% कस्टमर उसको परचेज करेगा, लेकिन दूसरा कंसर्न क्या आ जाता है, प्राइस का। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, एमवे। एमवे के प्रोडक्ट्स इतने महंगे हुआ करते थे कि वो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी उसको परचेज ही नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें क्वालिटी अच्छी होती थी, नो डाउट। तो सेम चीज, प्रोडक्ट में क्वालिटी तो है लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, इसके लिए हमें उसके प्राइस भी रिजनेबल रखना पड़ेगा, ताकि हमारे सोसाइटी में रह रहा हर एक वर्ग, चाहे वो लोअर क्लास का हो, मिडिल लोअर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, हायर मिडिल क्लास का हो या हायर क्लास का हो, उस सभी के सभी उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें, क्वालिटी वाइज भी उसको कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और प्राइस वाइज भी उसको सेटिस्फाई कर सके। और अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, उसका प्राइस कम है, तो डेफिनेटली आपको उसका प्रमोशन करने में आसानी होगी। चौथी चीज क्या है, प्लेस। प्रमोशन आप किस किस सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब सपोज करिए एमवे में एक प्रोडक्ट आता है, एमवे कंपनी है, शायद आप बहुत सारे लोगों ने सुना हो, एक कंपनी है जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें जिसको जिसको आर्टिस्टी बोलते हैं शायद। तो उसमें उसमें कोई भी अगर आप सिंगल प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो उसकी कीमत 1500, 2000, 2500, 4000 ऐसे होती है। तो उस इन प्रोडक्ट्स को अगर आप गांव में सेल करने के लिए ले जाएं तो डेफिनेटली वो सेल नहीं होंगे, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो उनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो मार्केटिंग किस जगह कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो 4 P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 P's जो है हमारे मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं, और हम मार्केटिंग इसी के बिहाफ पे करते हैं, और हमारी मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारा प्रोडक्ट रिजनेबल, जब हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, प्राइस रिजनेबल होगा, प्रमोशन हम प्रॉपरली कर पाएं, और हम सही प्लेस का सही प्लेस हम चुने, ताकि हम उस प्लेस पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकें। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच था मार्केटिंग का, उसमें जो बायर्स होते थे, बायर्स जो है वो सावधान रहते थे। बायर्स मतलब जो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन, उसमें ये बताया गया आपको कि पुराने जमाने में सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर दिया जाता था और उसको कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता था, कस्टमर की नीड्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। तो उसमें क्या था, जो खरीदार होते थे, जो कस्टमर होते थे, उनको सावधान रहना पड़ता था कि कहीं उनको खराब प्रोडक्ट ना मिल जाए। लेकिन आज के डेट में क्या है, मॉडर्न अप्रोच में कस्टमर को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो कस्टमर की डिमांड्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ही कर रही है। तो आज की डेट में
सेलर्स को सावधान रहने की जरूरत है। क्यों सावधान रहने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि सेलर मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो कस्टमर की नीड को मीट भी करेंगे, मीट नहीं भी करेंगे। तो सेलर भी ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा जो उसकी दुकान में रखे और वो सेल हो सके। तो कहीं ना कहीं अब जो दुकानदार हैं, जो सेलर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको अवेयर रहने की जरूरत है, कस्टमर को बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस है हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच में और मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच में। ये तो हो गई हमारी मार्केटिंग की डेफिनेशन। और बेसिकली मार्केटिंग को एक्सिक्यूट करने के लिए जो हम 4 P's यूज करते हैं, उसका क्या है रोल प्ले, वो अभी तक हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मार्केटिंग के टर्म में क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी मार्केटिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, उसका सही तरह से प्रमोशन होना चाहिए, और जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उसकी सही जगह होनी चाहिए। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट में की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो मैनुअल प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीनें नहीं यूज करते हैं, उनके रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और चूंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसीलिए एक दिन में उनका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो कम प्रोडक्शन होने की वजह से उनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। अगर वही उनका प्रोडक्शन एक दिन में लाखों हजारों होता तो शायद उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। यही रीजन है कि चाइना में जितनी भी कंपनियां हैं एक दिन में लाखों लाखों प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से वह जो 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 चाइना के जो जितने भी प्रोडक्ट्स, उनका जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं चाइना वाले, वो फ्रेश रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं, वो सारे के सारे स्क्रैप रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। तो यही रीजन है कि चाइना के प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कम होता है। और यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है मिनिमम, मतलब कम से कम नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिटी नहीं दे पाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्राइस रिजनेबल नहीं रख पाती हैं, और चूंकि उनकी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं होती है तो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मार्केटिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आइए समझते हैं इसको। कह रहा है, इन अ स्मॉल बिजनेस द मार्केटिंग फंक्शन कम अक्रॉस इंटायर कंपनी, अफेक्टिंग एंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग। विद इंक्रीजिंग कंपटीशन स्मॉल बिजनेस ओनर्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस, बार्गेनिंग, कॉस्ट, क्वालिटी एटसेट्रा। स्मॉल बिजनेस फेसेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो जो स्मॉल बिजनेस है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फाइनेंसिंग की, मतलब उनको इजिली फंड नहीं अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। बार्गेनिंग के रिगार्डिंग उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कॉस्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्वालिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं, यही प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती हैं उनकी मार्केटिंग में। कैसे? लो प्रोडक्ट क्वालिटी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो लेवल क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने में या उसकी मार्केटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिफिकल्ट फॉर स्मॉल यूनिट टू हैव क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट। और ये लो प्रोडक्ट क्वालिटी आती क्यों है? क्योंकि वो टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, या यूं कहें उनके पास टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी टेक्नोलॉजीज, या वैसे ऐसे हाई क्वालिफाइड मैन पावर्स नहीं है जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करके उसी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। यही रीजन है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकेंड वन इज प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब ही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि मार्केट में हमारे उस प्रोडक्ट की एक 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 ब्रांड वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू बनने के लिए कहीं ना कहीं
हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, एज वेल एज सोसाइटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी प्ले करना होगा, एज वेल एज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स को अगर देखते हुए अपना प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारी एक ब्रांड इमेज बन करके आती है। जैसे कह रहा है, प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड इमेज, लार्ज स्केल यूनिट्स फार्मुलेट देयर स्ट्रेटजी एंड क्रिएट ब्रांड इमेज विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते होंगे, अभी कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने कुछ फंड डोनेट किया, या बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो ऑक्सीजन के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड की, बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो मेडिसिन के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड की, बहुत सारी कंपनियों ने फूड के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं वो अपने कंपनी के ब्रांड के नाम को हाईलाइट करने के लिए, फेमस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक एक ब्रांड इमेज ब्रांड बन जाते हैं, उनकी एक सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बन जाती है। बट स्मॉल स्केल यूनिट्स फेस अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड इमेज ड्यू टू देयर लिमिटेड प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पब्लिसिटी पे फोकस नहीं करती है, उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्शन तक ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रांड, उनकी जो ब्रांड इमेज है वो नहीं बन पाती है। लिमिटेड मार्केटिंग, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा माल प्रोडक्ट माल का बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वेयरहाउस की फैसिलिटीज नहीं होती है, इसीलिए इनकी जो मार्केटिंग है वो लिमिटेड है, मतलब ये बहुत छोटे एरिया को कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक करोड़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लिया दो दिन में और उसको फिर यूएस, इंग्लैंड या फिर हमारे इंडिया के अदर स्टेट्स में भेज रहे हैं, नहीं, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केटिंग है वो, यानी जो मार्केट कवर कर रहे हैं, वो जो मार्केट कवर कर रहे हैं वो बहुत छोटा मार्केट कवर कर रहे हैं। लैक ऑफ बार्गेनिंग स्किल्स, चूंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं कि चलो ठीक, हम जो मार्केट में जो चीज 10 रुपए में बिक रही है हम उसको 8 रुपए में ही बेचने के लिए तैयार हैं। वो ऐसा इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कोई भी ब्रांड इमेज नहीं है, सोसाइटी में कोई हमारे प्रोडक्ट को जानता नहीं है, अगर हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के थ्रू ही बिक सकता है या होलसेलर के थ्रू ही बिक सकता है, जो इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा या उनको उसके बारे में बताएगा। तो कहीं ना कहीं वो प्राइस के रिगार्डिंग भी वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सेलर से। प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट सेल्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट कोई ब्रांड इमेज नहीं होती है, कस्टमर उसको खरीदना नहीं चाहता है, तो दुकानदार भी उसको अपने दुकान में रखने से डरता है कि ऐसा ना मैं 1 लाख का माल रख लूं और वो बिके ना तो मेरा सारा का सारा 1 लाख रुपए डूब जाएगा। तो दुकानदार भी क्या कहता है, ठीक है भाई 1 लाख का माल है, चलो आज रख जाओ, अगर माल बिक जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा, अदरवाइज तो अपना माल वापस ले जाना। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या, उधारी लग जाती है, जिसमें जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं उनके जब मार्केट में सेल करने के लिए ले आया जाता है तो जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो क्या कहते हैं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, अपना माल आप रख जाइए, अगर 1 महीने में बिक गया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, अदरवाइज अपना माल वापस लेके चले जाइएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्रेडिट सेल्स, यानी उधारी की। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, चूंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फंड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो अपना प्रोडक्शन कर ले वही बहुत उनके लिए बड़ा टास्क है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेस्टिंग और रिसर्च में फोकस नहीं करते हैं। यही रीजन है कि वो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्शन प्रोसेस और जो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए वो अपने प्रोडक्ट में वो नहीं ला पाते हैं। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट्स, चूंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो कॉमन से बात उनसे कंपटीशन तो रहेगा ही। लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाईली स्किल्ड या टेक्निकल पर्सन नहीं रहते हैं, सेमी स्किल्ड पर्सन रहते हैं, लोकल में हायर किए हुए जो लेबर मजदूर रहते हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं।
और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे पुअर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्लो स्पीड ऑफ मार्केट कम्युनिकेशन। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस हद तक मार्केटिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जो दूसरा टर्म आता है मार्केटिंग में, हमारा मार्केट असेसमेंट, कि मतलब मार्केट का आकलन कैसे करें। तो मार्केट में, मार्केट का आकलन करने के लिए हमें डिमांड को फॉरकास्ट करना होगा और दूसरी चीज मार्केट सेगमेंटेशन करना होगा। तो मार्केट डिमांड फॉरकास्ट का मतलब हम मार्केट में या सोसाइटी में रह रहे जो जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनकी डिमांड को हम समझें, जाने कि वो चाहते क्या हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर मेथड्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी पहले भी आपको बताया था, मार्केटिंग का जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो इनिशियल फेज है, वो है सर्वे, ठीक है। मार्केट सर्वे हम करते हैं ताकि हम कस्टमर की नीड्स, उसके डिमांड्स को समझ सकें। तो वही कह रहा, मार्केट असेसमेंट मतलब मार्केट का आप आकलन करना चाहते हैं कि मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, वो जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम प्रोडक्शन करेंगे। तो मार्केट असेसमेंट के लिए हमें दो चीजों को फॉलो करना होता है। पहला डिमांड फॉरकास्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं जो सोसाइटी में रह रहे कस्टमर है वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं। इसके लिए हम सर्वे करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं या लीडिंग इंडिकेटर मेथड यूज करते हैं। और जो दूसरा असेसमेंट है इसमें, वो है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन में हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल वेरिएबल्स, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिकल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ इनकम वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए हमारी जो कंपनी है वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, सेगमेंट कर लेते हैं मार्केट में जो लोग हैं, या फिर जो मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, उनका सेगमेंटेशन कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उस सेगमेंटेड एरिया में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मार्केट असेसमेंट। तो ये था मार्केट के रिगार्डिंग, जिसमें हमने मार्केटिंग क्या होती, मार्केट बेसिकली होता क्या, उसको समझा। मार्केटिंग की ट्रेडिशनल डिफिनेशन और मॉडर्न डिफिनेशन को हमने समझ लिया, इन दोनों डिफिनेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो क्यों फेस करनी पड़ती है उसको हमने देखा, और मार्केट को समझने के लिए उसका असेसमेंट कैसे करते हैं, इसके दो दो प्रोसेस थे, डिमांड फॉरकास्टिंग और मार्केट सेगमेंटेशन, इसको हमने कवर किया। तो बेसिकली मार्केटिंग में आज के लिए इतना ही था।